नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर जिले के बहरोड शहर में होटल हाईवे किंग के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी है। सुबह सुबह ही इनकम टैक्स की टीम कार्रवाई करने पहुंच गई। चार गाड़ियों में आए अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। टीम अपने साथ जयपुर से पुलिस का जाब्ता लेकर होटल पहुंची। होटल हाईवे किंग की 6 ब्रांचों बहरोड, शाहपुरा, जयपुर, बगरू, जयपुर व चोमू में इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है। सुबह से ही अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। होटल हाईवे किंग के ठिकानों पर हथियारबंद जवान तैनात किए गए। बहरोड, निमराना, थारूहेड़ा, शाहपुरा, चोमू आदि जगहों पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के बाद होटल में हड़कंप मचा हुआ है। सिरोही जिला सेशन कोर्ट की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने पत्नी की हथियार से हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित के अनुसार शिवगंज थाने में 14 जुलाई 2018 को रुवाड़ा निवासी राजाराम ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी चंपा की शादी 4 साल पहले अल्फा निवासी हीराराम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बेटी के साथ पति हीराराम आए दिन मारपीट करता था। परेशान होकर चंपा घर लौट आई। जून 2018 में समाज के बड़े बुजुर्गों के बीच समझाइश होने के बाद चंपा को वापस ससुराल भेज दिया, लेकिन 13 जुलाई 2018 को सूचना मिली कि उसकी बेटी चंपा की उसके पति हीराराम ने हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के साथ ही हत्या के आरोप में चंपा के पति हीराराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोटा जिले में केसीसी के नाम पर किसान के साथ 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार किसान ने 12 के एक निजी बैंक से केसीसी कार्ड बनवाया था। बैंक कर्मचारी ने ही पहल कर किसान रामहित निवासी रलावत का केसीसी कार्ड बनवाया था। किसान से चेक पर हस्ताक्षर करवा रुपए निकलवा लिए। मोबाइल में रुपए निकासी का मैसेज आया तो किसान को ठगी का पता चला। किसान द्वारा पुलिस को लिखित में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस किसान के साथ टाल मटोल करती रही। पीड़ित किसान ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। जोधपुर जिले में मित्रता करने के बाद एक नाबालिग को धार्मिक शिक्षण संस्थान में बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर अश्लील फोटो खींच लिए गए और उसे ब्लैकमेल कर 2 तोला सोना व 10 तोला चांदी के जेवर ऐंठ लिए गए। दो युवक व महिला के खिलाफ छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और पोक्सो में मामला दर्ज करवाया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि फरवरी में महिला ने 14 साल की लड़की की एक युवक से मित्रता करवाई, फिर उसे एक शिक्षण संस्थान में बुलाया जहां नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग को बेहोश कर उसके साथ अश्लील फोटो खींच लिए। बाद में युवक व उसके साथी नाबालिग को ब्लैकमेल करने लगे। उन्होंने नाबालिग से घर में रखे जेवरात मंगवाए। नाबालिग ने 2 तोला सोना व 10 तोला चांदी के आभूषण दे दिए, फिर भी ब्लैकमेल करते रहे। तंग आकर परिजनों को अवगत करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में 5 दोस्तों के एक युवती से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर रेस्टोरेंट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जयसिंहपुरा खोर थाने में पीड़िता ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मेवात निवासी 25 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह काफी समय से जयसिंहपुरा खोर में रह रही है। 28 दिसंबर 2022 को वह भाई के घर जाने के लिए रामगढ़ मोड़ बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसी दौरान कार में सवार युवक आकर उससे बातचीत करने लगा। उसने खुद का नाम आबिद निवासी नूम मेवात बताया। लिफ्ट देने के बहाने उसे कार में बैठाकर बताई जगह पर छोड़ दिया और मोबाइल नंबर ले लिए। करीब 1 महीने से मोबाइल पर कॉल कर बात करता रहा। उसने कहा कि वह मेवात जाता रहता है, कभी जाओ तो छोड़ दूंगा। जिसके बाद आरोपी आबिद को मेवात जाने की बताया तो उसने कहा मैं भी जा ही रही हूँ, साथ चलेंगे। मेवात जाने के लिए दोनों निकले तो रास्ते में खाना खिलाने के बहाने एक रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट के रूम में जबरन डरा धमका कर रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिए। काफी समय तक बातचीत बंद रही। आरोप है कि उसके बाद आरोपी आबिद ने कॉल कर मिलने बुलाया। मना करने पर अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। मिलने जाने पर वह कार में बैठाकर रेस्टोरेंट ले गया। रूम में आरोपी आबिद ने अपने दोस्त मुब्बा, जानू, हुसैन और जुनैद के साथ मिलकर गैंग रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के डीग कस्बा से अपहरण किए गए युवक को पुलिस ने कार्रवाई कर कुछ ही घंटे में बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने युवक का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।
कस्बे के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र से किराए के कमरे में रहने वाले 12वीं कक्षा के छात्र इरफान को 4 बदमाश कमरे से ही अपहरण कर ले गए। घटना का वीडियो सामने आया था। इरफान के मकान मालिक बलबीर ने बताया था कि 4 बदमाश इरफान को जबरदस्ती इको गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर ले गए। थाना प्रभारी दौलत साहू ने बताया कि बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। एसपी श्याम सिंह के निर्देश पर डीग डीएसटी क्यूआरटी डीग सदर सेवर और कुम्हेर थाने की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी और आरोपियों की पहचान जुटाकर देर रात युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जालोर जिले में एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जालोर के संचोर थाना क्षेत्र के पास झाड़ियों में युवक का शव मिला है। सूचना मिलने पर संचोर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने कपड़े से गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई है। शव के गले में कपड़ा मिला है और मुंह में भी कपड़ा डाला हुआ था। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। संचोर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर पुलिस थाना बगड़ तिराहे से 1 किलोमीटर दूर भरतपुर रोड पर कार में आए 5 से 6 लोगों ने एक ट्रक ड्राइवर को कार में बंधक बनाकर ट्रक व मोबाइल लूट लिया। थाना अधिकारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि गुरमेज सिंह निवासी गंगोरा थाना पहाड़ी भरतपुर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह सालासर ई वेस्ट कंपनी एमआईए में ड्राइवर है। वह 10 मई की रात 12 बजे एमआईए की कंपनी से ट्रक में माल लोड कर सोनीपत हरियाणा के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में बगड़ तिराहे से लगभग 1 किलोमीटर आगे भरतपुर रोड पर सफेद कार में आए 5 से 6 लोगों ने ओवरटेक कर ट्रक को रोक लिया, मारपीट कर मोबाइल व ट्रक की चाबी छीन ली और उसे बंधक बनाकर कार में पटक दिया। आरोपी उसे अलवर की तरफ ले गए। वह कार में सवार जयपाल नामक व्यक्ति को पहचानता है जो कंपनी में कुछ लोगों के साथ आता रहता है। आरोपी उसे लोहिया का तिबारा पर छोड़कर ट्रक को अपने साथ ले गए। आरोपी ट्रक को एनईपी थाने के पास छोड़कर भाग गए। ट्रक को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के लूणी कस्बे के सालावास में जोजड़ी नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान माधोपुरा सतलाना निवासी पारसराम मेघवाल के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने सूरसागर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच को लेकर ग्रामीण और परिजन धरने पर बैठ गए। एमडीएम मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों से पुलिस अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।